खबर कासगंज से आ रही है। बीजेपी विधायक देवेंद्र राजपूत की दबंगई देखने को मिली है कासगंज में। बिजली विभाग के जेई को देवेंद्र राजपूत ने पीटा, बीजेपी विधायक देवेंद्र राजपूत ने जमकर गालियां भी दी। जेई की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराने गए थे जेई। कासगंज कोतवाल ने जेई अशोक कुमार को भगा दिया। बिजली कनेक्शन के लिए जारी एस्टीमेट को नियम के खिलाफ जेई पर दबाव बना रहे थे। अलीगढ़ मंडल के डीआईजी प्रीतेंद्र सिंह ने कार्रवाई की बात कही है। नदरही फीडर पर तैनात है जेई डीएस मीणा, पहले भी सुर्खियों में रहे हैं बीजेपी विधायक देवेंद्र राजपूत। कासगंज से ये बड़ी खबर, पहले भी सुर्खियों में रहे हैं बीजेपी विधायक देवेंद्र राजपूत। एक बार फिर से उनकी दबंगई देखने को मिली है। बिजली विभाग के जेई को पीटा है, ये देखिए तस्वीरें। किस कदर सत्ता की हनक हावी है बीजेपी विधायक के सिर पर, जरा देख लीजिए इन तस्वीरों में। जेई की पिटाई की गई है, बुरी तरह से जेई को पीटा गया है। सवाल यह है कि जेई को पीटने का हक किसने दिया बीजेपी विधायक? तो सत्ता की हनक किस कदर हावी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र राजपूत पर, जरा देख लीजिए। कासगंज से एक खबर सामने आई है, बुरी तरह से एक जेई को पीटा है, उसे गालियां दी है देवेंद्र राजपूत ने। अब सवाल यह उठता है, देवेंद्र राजपूत कौन है? बीजेपी विधायक हैं तो क्या भगवान हो गए, कानून हो गए, पुलिस हो गए, क्या हो गए? किसने इतना, ये देखिए तस्वीरें, कितनी बुरी तरह से पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं बीजेपी के विधायक देवेंद्र राजपूत, दबंगई दिखा रहे हैं। बिजली विभाग के जेई को बुरी तरह से पीट रहे हैं, ये देखिए। इस पिटाई का किसी ने वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और उसके बाद उसे वायरल कर दिया। और पुलिस की भी इसमें भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है, लापरवाही भरी। जेई शिकायत करने गया था, उसकी शिकायत नहीं ली गई, कोतवाल ने भगा दिया। कोतवाल भी नतमस्तक है बीजेपी विधायक के सामने। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधायक बन जाओ और उसके बाद भगवान बन जाओ, जो चाहे मर्जी करो, ना कोतवाल रोकेगा ना पुलिस रोकेगी। ये देखिए, जिसको चाहो पीटो, जिसको चाहे गाली दो, खुली छूट मिल जाती है। हालांकि अलीगढ़ मंडल के डीआईजी ने कार्रवाई की बात जरूर कही है, लेकिन देखना यही होगा कि कार्रवाई क्या वाकई हो पाती है बीजेपी विधायक के खिलाफ, क्योंकि जितनी दबंगई, जितनी सत्ता की हनक दिखा रहे हैं बीजेपी विधायक, डर तो है नहीं कानून का जरा भी। कोतवाल तक ने शिकायत करने वाले जेई को भगा दिया, यानी स्थानीय पुलिस तो कम से कम नतमस्तक है, बीजेपी विधायक पर कार्रवाई से डर रही है। अब बड़े लेवल पर क्या होता है यह देखना होगा। संवाददाता धनंजय सिंह से पूरी जानकारी, पूरा मामला जरा यह समझते हैं।
धनंजय जरा बताइए, ये सत्ता के हनक जो बीजेपी विधायक दिखा रहे हैं, पीट रहे हैं जेई को, क्यों पीट रहे हैं, क्या ये पूरा विवाद था? देखिए मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो विवाद है, ये विवाद विधायक किसी बिल को लेकर जो उसका एस्टिमेट था उसको कम कराने पे लगे हुए थे, और इन दोनों में जेई में और इनमें विवाद बहुत पहले से चल रहा है, और लगातार विधायक का ये आरोप था कि हम जेई से किसी काम की कहते हैं या पब्लिक आती है वो जेई की शिकायत करती है, तो ये कई दिनों से इनका विवाद चल रहा था और किसी को बिल दबाव कम करने के लिए ये बना रहे थे और जेई ने मना किया होगा तो पहले विधायक ने उनके साथ हाथापाई कर दी, मारपीट की और गाली गलौज की है, और दोनों तरफ से इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। विधायक ने जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और जेई ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जी अपूर्व, और ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं विधायक, कोतवाल के पास जब जेई शिकायत को लेकर गए तो खबर आ रही है कोतवाल ने उन्हें भगा दिया। देखिए ये पुलिस की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जब प्रथम दृष्टया जब मुख्यमंत्री का और शासन का आदेश है कि जो भी पहुंचा उसकी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, पर इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो वहां के पुलिस की नजर आई है कि जब जेई जब मुकदमा दर्ज कराने गया तो वहां की जो लोकल पुलिस थी उसने इंस्पेक्टर ने इनको गालियां देकर थाने से भगा दिया, और उनका कहना यह था कि विधायक के खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते हैं, आप मिलकर उनसे फैसला कर लीजिए। तो देखा जाए तो फिर इसमें अलीगढ़ रेंज के जो डीआईजी है प्रसन्न सिंह, उनसे जो शिकायत की गई तो उन्होंने इस मामले को पूरा अपने संज्ञान में लिया और उसके बाद उन्होंने इसमें एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर क्या दर्ज हुई है दोनों की तरफ से, क्या किन क्लॉज किन किन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए मैं आपको बता दूं, जो इसमें मारपीट है और सरकारी काम में बाधा है उसकी तो विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है, और बाकी जो एफआईआर है उधर से जो जेई ने कराई है उसमें एससी/एसटी एक्ट भी उसने लगाया है, और इधर से इन्होंने अपने साथ अभद्रता की एफआईआर कराई है विधायक ने। बहुत शुक्रिया धनंजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों तरफ से अब एफआईआर जरूर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल है ये छूट किसने दे दी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, किसी को ऐसे पीटने की, गालियां देने की? सत्ताधारी पार्टी से अगर विधायक हो गए हैं तो क्या भगवान हो गए हैं? कुछ भी करेंगे, किसी को भी पीटेंगे, किसी को भी गाली देंगे, और स्थानीय स्तर पर पुलिस कितना दबाव में है आप ये देखिए। स्थानीय स्तर पर जो लोकल पुलिस वाले हैं वो कितना डरते हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जब जेई शिकायत लेकर उनके पास पहुंचा तो कह दिया गया कि विधायक के खिलाफ तो हम नहीं कर पाएंगे एफआईआर, यानी स्थानीय पुलिस विधायक की जेब में है। मामला जब डीआईजी तक पहुंचा तब इस मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी जरा देख लीजिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के मतलब अगर आप विधायक हो गए तो क्या भगवान हो गए या माने? नहीं, मुझे लगता है कि एक हकीकत हमको आपको सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में संविधान नहीं है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का जनरल राज है। ये वही उत्तर प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के योगी जी के कैबिनेट मंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश में 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और अब जो उनके विधायक का मारपीट का मामला आया है तो हम आप समझ सकते हैं मारपीट क्यों हुई होगी, और ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके आए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे। तो जिस मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो उस सरकार के विधायकों को आप क्या कह सकते हैं? और बड़ी बात ये है, यहां पर ये सामने आया है कि पुलिस भी, स्थानीय पुलिस भी, लोकल पुलिस भी इन विधायकों से डरती है। यहां पर भी जब बुरी तरह से पीटा गया, जब शिकायत करके जेई लोकल पुलिस के पास गया तो उसने कह दिया विधायक के खिलाफ नहीं दर्ज कर पाएंगे एफआईआर, वापस भगा दिया। देखिए सत्ता विधायक से पुलिस का डर का कारण है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग सहारनपुर में आप याद करिए कप्तान के घर घुस गए, सीओ को पीटा, एसओ को पीटा, तो पुलिस तो खुद बच रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से कैसे बचना है। पुलिस को उत्तर प्रदेश में खुद सुरक्षा की जरूरत है, हकीकत तो ये है। अब तो आप समझ सकते हैं फिर पुलिस क्या करेगी।
बड़ा सवाल यह है, इस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को खुली छूट मिल जाएगी तो फिर जिस जंगल राव का आप जिक्र कर रहे हैं वो दूर नहीं है। फिर अगर इस तरह से एक एक विधायक अपनी दबंगई दिखाएगा, कभी पुलिस वालों को पीटेगा थाने में घुसकर, कभी आम लोगों को पीटेगा, कभी इंजीनियर पर दबाव बनाएगा, और बड़ी बात यह है पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि डर रही है स्थानीय पुलिस। हालांकि इस मामले पर डीआईजी ने जरूर संज्ञान लिया है और एफआईआर दर्ज करवाई है। देखिए मैंने कहा ना कि इसी को जंगल राज कहते हैं, जहां बिल्कुल तांडव हो, पुलिस भी सुरक्षित न हो, इंजीनियर सुरक्षित न हो, लोग सुरक्षित न हो, विभागों में परसेंटेज की बात हो रही है खुलेआम पर। तो आप सोचिए ना, मैं ये कह सकता हूँ अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह साजन जी बात करने के लिए समाचार प्लस से। तो सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हुए कि इससे भ्रष्ट सरकार ही नहीं आज तक देखी भारतीय जनता पार्टी की, जहां इतनी दबंगई हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहां चाहें जिसको चाहें उसके साथ बदतमीजी करें, मारे पीटें, जो चाहें करें, कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, पुलिस भी डरती है, कार्रवाई नहीं करती है। देख लीजिए आपके सामने तस्वीरें, इन्हें क्या कहा जाए। दावे कुछ और किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार में आने से पहले, उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालने से पहले, लेकिन गद्दी संभालने के बाद देखिए क्या फर्क रह गया। पुरानी सरकारों के नेताओं में, विधायकों में और मौजूदा सरकार में लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी। जी ये कासगंज से खबर सामने आई है, बीजेपी विधायक देवेंद्र राजपूत हैं बुरी तरह से एक शख्स को पीट रहे हैं, जेई को पीट रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं। स्थानीय पुलिस से जब जेई शिकायत करता है तो स्थानीय पुलिस कह देती है विधायक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर पाएंगे, तब जाकर वो डीआईजी रेंज से बात करता है, तब तो जाकर मामले पर एफआईआर दर्ज होती है। सर मैं तो इस मत का हूं कि किसी विधायक को, किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी जनता के व्यक्ति को सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट करने का कोई हक नहीं है, चाहे चपरासी हो और चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत जमकर करें, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करके उसकी नाक में दम करें, ये लोकतंत्र में अधिकार है, उसके ऊपर मारपीट करने का अधिकार हमको नहीं है। तो अगर ये पार्टी के सिद्धांतों के नीतियों के खिलाफ है तो क्या उम्मीद करें कि इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी पार्टी की तरफ से? सुन तो लो जी, जिस सिपाही जी थाना इंचार्ज या मुंशी जी ने ये कहा है कि विधायक के खिलाफ हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते, उसको भी निलंबित किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, विधायक के खिलाफ रिपोर्ट क्यों करें, कानून से ऊपर कौन हो जाएगा? अभी हमारे एक माननीय मंत्री उपेंद्र तिवारी कोर्ट में हाजिर हुए, जज साहब ने कहा कि कटघरे में खड़े हो, कानून आपका बनाया हुआ है, और वो कटघरे में खड़े हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहते हुए अगर किसी ने कहा कि विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, वह भी अराजकता फैलाने में सहभागी है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि कैसे होगा ये, विधायक दबंगई पर दबंगई दिखाते हैं, सरकार कुछ करती नहीं है, पार्टी इस विधायक पर कार्रवाई करेगी? मुझे ये बताइए, अगर कार्रवाई होती है तभी तो पुलिस वालों में भी एक हिम्मत जागेगी कि अगर किसी ने हमारे साथ बदतमीजी की, मीडिया निश्चित इस पर का प्रभाव होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। इस विधायक पर कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, पार्टी इसको निष्कासित करेगी? नहीं, निष्कासित क्यों, कानून करेगा काम, एफआईआर जिस धारा में दर्ज होगी उस धारा में वो मारपीट का मामला तो अलग है ना सर, वो मारपीट का मामला तो अलग है ना, यहाँ पर पार्टी अपने स्तर से क्या कार्रवाई करेगी कि विधायक होते हुए इस तरह की हरकत करते हैं, उस स्तर से पार्टी अपने स्तर से क्या कार्रवाई करेगी? समर्थन नहीं किया जा सकता, आप एक तरफ कह रहे हैं समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होगा, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। जिसने एफआईआर दर्ज करने से मना किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ। ठीक है, पुलिस वालों के खिलाफ आप मांग कर रहे हैं, विधायक के खिलाफ क्या मांग करेंगे कार्रवाई की? अरे विधायक के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज है, कानून को अपना काम, वो तो कानून अपना काम करेगा ना सर, पार्टी अपने स्तर पर क्या करेगी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, सुनना चाहते हो तो सुनो, खुलकर सुनो,
कोई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अगर किसी व्यक्तिगत झगड़े में मोहल्ले पड़ोसी से झगड़े में भी अगर 48 घंटे जेल में रह जाता, पुलिस कस्टडी में रह जाता, तो वो निलंबित होता है। पहले चलने तो दो ना जेल में, कानून तो सार्वभौमिक है, वही पद्धति इन पर लागू होगी। ये 48 घंटे जेल में रह जाएंगे, पार्टी निकाल देंगे। वो तो कानून का पक्ष रहेगा ना सर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ये जरूर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी विधायक को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैंने बार बार पूछा कि पार्टी अपने स्तर से क्या कार्रवाई करेगी ये दिखाने के लिए कि ये पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है, नीतियों के खिलाफ है, कोई विधायक को इतनी किसी की कीमत पर छूट नहीं दी जा सकती, वो किसी भी अधिकारी के साथ ऐसे मारपीट करे, बुरी तरह से उसे गालियां दे, लेकिन बार बार जवाब यही मिला कि कानून अपना कार्रवाई करेगा, कानून कार्रवाई करेगी, FIR दर्ज हुई है, लेकिन यह नहीं बताया कि पार्टी अपने स्तर से क्या कार्रवाई करेगी, ताकि एक मैसेज जाए, संदेश जाए तमाम विधायकों को, उत्तर प्रदेश के तमाम सत्ताधारी दबंग विधायकों को, जो ऐसे दबंगई दिखाते हैं कि अगर दबंगई दिखाई तो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिए जाओगे, या फिर कोई कार्रवाई, सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी, यह दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है। लेकिन अफसोस कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी ये खुलकर नहीं कह पाते कि पार्टी कोई कार्रवाई कर पाएगी, यही स्थिति है, और यही वजह है कि ऐसे विधायकों को हिम्मत मिलती है। ऐसे विधायक जहां चाहते हैं, जिसको चाहते हैं मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, दबंगई दिखाते हैं, पुलिस भी डरती है तो कार्रवाई होती नहीं। और ऐसे विधायकों तो देखा देखी और भी जो दबंग विधायक है उनकी भी हिम्मत बढ़ती है कि एक विधायक ने किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे खिलाफ क्या होगी, मैं भी करता हूं। ये चेन बढ़ती जाती है, ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है दबंगई का। जरूरत इस बात की है कि सख्त से सख्त एक कार्रवाई की जाए ऐसे तमाम दबंग विधायकों के खिलाफ जिनकी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो गए तो हम भगवान हो गए, कुछ भी करें, कानून को अपनी जेब में रख के घूमे, पुलिस वालों को जेब में रख के घूमे, किसी को भी मारे पीटे, किसी से भी गाली गलौज करे, कुछ नहीं होगा। ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पार्टी स्तर से भी, वो पार्टी जो पार्टी में डिफरेंस का दावा करती है। क्या डिफरेंस है क्या दूसरी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में? पहले भी दबंगई होती थी, आज भी दबंगई हो रही है, पहले भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पार्टी विद डिफरेंस का नारा कहां गया?